जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो सभी श्याम प्रेमियों के लिए है। जो भी श्याम प्रेमी श्याम बाबा के मंदिर जाते हैं, एक आस्था के साथ जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि बाबा की कृपा हम पर हो जाए, तो आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो आप समझ लीजिए कि बाबा ने आपको अपना लिया है, बाबा ने आपको अपने बच्चे के रूप में स्वीकार कर लिया है, बाबा आपकी भक्ति भावना आस्था से बहुत प्रसन्न है, बाबा ने आपसे प्रसन्न होकर आपकी आस्था से प्रसन्न होकर आपको ये चीजें दी हैं। तो बाबा का आशीर्वाद आपको किस रूप में मिलता है, अगर आप श्याम बाबा के किसी भी मंदिर जाते हैं और वहां से आपको ये तीन चीजें मिलती हैं तो समझ लीजिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो सबसे पहले श्याम बाबा के नाम का एक जयकारा लगा दीजिए और कमेंट में जरूर लिख दीजिए जय श्री श्याम। दोस्तों, श्याम बाबा के मंदिर में आप चाहे खाटू श्याम जाएं, चाहे चुलकाना धाम जाएं, या श्याम बाबा के किसी भी मंदिर में आप जाते हैं, उस मंदिर में अगर आपको कोई फूल गुलाब का, गेंदे का या किसी भी चीज का या कोई सा भी फूल आपको मंदिर से मिलता है या बाबा की मुतरी हुई माला आपको मिलती है तो समझ लीजिए बाबा ने आशीर्वाद के रूप में आपको वो माला या फूल आपको दिया है। तो आप बहुत ही लक्की हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि बाबा के मंदिर में माला या फूल बहुत आसानी से नहीं मिलता है। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर आपको बाबा के मंदिर से माला या फूल मिलती है तो उसको गले में मत पहनिए, उसको ना ही उठाकर यहाँ वहां रख दीजिए। यह बाबा का आशीर्वाद है, इसे बहुत ही संभाल कर पहले घर लेकर आइए। अगर आपके घर में बच्चा है जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और बाबा के यहाँ से आपको कोई फूल मिला है तो आप उस फूल को बच्चे की किताब के अंदर, कॉपी के अंदर रख दीजिए, या आप चाहे तो पत्ते कर करके सारी बुक्स के अंदर भी रख सकते हैं और जब तक वो सूख ना जाए तब तक उन फूलों को किताब के अंदर ही रख के रहने देने चाहिए और देखना कि बाबा की कृपा से बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और अगर आपके घर में बच्चा नहीं है तो उस फूल को बाबा का आशीर्वाद समझ के अपने मंदिर में रखिए और जब तक वह फूल पूरी तरह से ना सूख जाए उस फूल को मंदिर से नहीं हटाना है। उसके बाद जब वो फूल सूख जाए आप चाहे तो अपने लॉकर में रख सकते हैं या फिर आप उस फूल को किसी गमले में भी रख सकते हैं ताकि वो इधर उधर ना गिरे। और यही आपको माला के साथ करना है। अगर आपको बाबा के मंदिर से माला मिलती है, गले में माला पहन लेते हैं, ये भगवान का अपमान होता है, आप उनकी बराबरी कर रहे हैं। आपको जो माला बाबा के मंदिर से मिलती है, सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि अगर माला आपको मिल रही है तो आप किसी की माला छीनिएगा नहीं, क्योंकि छीनने से आपको बाबा की कृपा ऐसे नहीं मिलेगी। आशीर्वाद बाबा का आपके ऊपर है, लेकिन अगर बाबा ने वो माला किसी और के लिए भेजी है तो आपका छीनने का कोई हक नहीं बनता है। तो अगर माला खुद ब खुद आपके हाथों में आती है तो आप उस माला को लीजिए, अन्यथा आप उस माला को छीना छपटी बिल्कुल मत कीजिए, यह बाबा के आशीर्वाद का अपमान होता है। तो अगर आपको माला अपने आप आपके हाथों में आकर मिलती है तो आपको वह माला घर लेकर आनी है, उसको पूजा स्थल में रखना है और उसकी पूजा करनी है। जब तक वह माला पूरी तरह से नहीं सूख जाती है तब तक उस माला को भी मंदिर में रखना है, और जब वह माला सूख जाती है तो उस माला के सारे फूलों को आपको अच्छे से मसल लेना है। जब वो फूल सारे टूट जाएं, सूखकर बिखर जाएं, तब उन फूलों को आपको या तो किसी गमले में डाल दो या पार्क में किसी पेड़ के नीचे डाल दो। ऐसा करने से क्या होगा कि माला का बाबा के आशीर्वाद का अपमान नहीं होगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, माला को इधर उधर नहीं पटकना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि दूसरी कौन सी चीज है। जब आप श्याम बाबा के मंदिर जाते हैं तो आपको इत्र मिलता है, आप या इत्र लेकर जाते हैं या आपको इत्र जब आप चढ़ावे का सामान लेते हैं उसमें आपको इत्र मिलता है, और वहां का जो पुजारी है उसको आप जब अपनी थाली देते हैं तो वह आपको इत्र वापस कर देता है। तो ये भी बहुत अच्छे संकेत होते हैं, आपको उस इत्र को घर लेकर आना है और 3 दिन के बाद आपको उस इत्र को श्याम बाबा को लगाना है मंदिर में, सिर्फ और सिर्फ श्याम बाबा को लगाना है और किसी भगवान को नहीं लगाना है। और आपको हमेशा ऐसा 3 दिन बाद ही करना है। जब तक आपके वो इत्र की शीशी में इत्र है तब तक आपको हर 3rd दिन श्याम बाबा को इत्र लगाना है और उनका आशीर्वाद लेना है। जब आपकी वो शीशी का इत्र खत्म हो जाए तो उस शीशी को फेंकना नहीं है, क्योंकि यह बाबा का अपमान होता है,
उस शीशी को आप घर में किसी ऐसी जगह रख दो जहां कोई उसे छेड़खानी ना करे, या फिर किसी मंदिर में रख दो, या कहीं गमले के पास रख दो, ऐसी जगह रख दो जहां पैर ना लगे। अब बात करते हैं बागा की। बागा आप सब जानते हैं कि बागा वो है जो श्याम बाबा पूरी साल अपने चार ओर लपेट कर रखते हैं। ये बागा केसरिया, पीला या लाल किसी भी रंग का हो सकता है। वो वहां के पुजारी की इच्छा होती है, जो कि हर साल बसंत पंचमी के दिन ही बदला जाता है। श्याम बाबा का बागा ऐसे ही नहीं मिलता है। आप बहुत ही लक्की हैं, बहुत ही किस्मत वाले हैं कि बाबा ने आपको इसके लिए चुना है। सबसे बड़ी बात, अगर आप ये सोचते हैं कि बागा हमें खाटू श्याम से मिलेगा तो ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। बागा आपको किसी भी श्याम बाबा के मंदिर से मिल सकता है, और अगर आपको वो बागा का टुकड़ा मिल गया तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपके सारे काम बन जाएंगे। आप ये सोचिए कि बाबा खुद चलकर आपके साथ आपके घर पर आए हैं, और जिस श्याम प्रेमी को बाबा का बागा मिल जाता है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है। उस बागा को लाकर उसकी पूजा कीजिए। उसके बाद उस बागा को अगर आप अपने पर्स में रखना चाहें अपने पर्स में रख सकते हैं, पूजा स्थल में रखना चाहते हैं तो पूजा स्थल में रखिए, अगर आपकी दुकान है तो आप अपनी दुकान में रखिए। ये आपके कारोबार में उन्नति देगा, आपके सारे रुके हुए कामों को बनवाता है। बागा बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है, क्योंकि ये साल भर में केवल एक बार ही उतारा जाता है, और इसको लेने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है। तो दोस्तों, ये हैं वो तीन चीजें जो अगर किसी भी श्याम प्रेमी को श्याम बाबा के मंदिर से मिल जाए तो उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होता। वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझे कि बाबा ने उसे अपने बच्चे के रूप में अपना लिया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ छोटी सी जो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ ये आपके बहुत काम आई होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि और भी श्याम प्रेमी इस बात को जान सके। दोस्तों, बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। तब तक के लिए जय श्री श्याम।